दोस्तों, मैं आपको भाई रजनीश, आज आप लोगों को मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। 2.1 एम्पलीफायर हम बनाएंगे आज। ये 200 वाट का मोनो बोर्ड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। 280 बाउंस हो के ओरिजिनल इसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये मोनो बोर्ड है, यहाँ पे सप्लाई इसका लगेगा VVC प्लस, ग्राउंड VVC माइनस, यहाँ पे आपके इनपुट होंगे प्लस माइनस के, और ये स्पीकर के आउटपुट है, ठीक है। और ये मोनो बोर्ड था, और ये अपना स्टीरियो बोर्ड है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है प्लस माइनस और ग्राउंड यहाँ लगेगा। और ये छोटे वाले कनेक्टर से जो है, यहाँ पे आपकी इनपुट होगी, ग्राउंड इन लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये स्पीकर के कनेक्टर है, स्पीकर के कनेक्टर है, यहाँ पे ग्राउंड स्पीकर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके कनेक्टर्स यहाँ पे लगेंगे। और इसकी जो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे देखिए 30-30 का ये ट्रांसफार्मर हमने इस्तेमाल कर रखा है। यहाँ पे 30-30 का इसमें इस्तेमाल करेंगे हम ट्रांसफार्मर। यहाँ पे 10000 UF 63 वोल्ट के कंडेंसर लगे हुए हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये जो दो लेग होती है, यहाँ पे आपका AC लगेगा और प्लस माइनस यहाँ से निकलेगा। जहाँ पे कट वाला हिस्सा लगा होता है, ये प्लस का होता है, तो प्लस यहाँ से निकलेगा। 63 वोल्ट 10000 UF के कंडेंसर है, इसको सीरीज में लगा रखा है हमने। प्लस इसका जो प्लस है, इसके माइनस में कनेक्ट कर रखा है, तो इधर वाला जो है प्लस निकलेगा, और जहाँ कट बना हुआ है यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस निकलेगा, ठीक है। और इन दोनों को जो शॉर्ट कर रखा है, यहाँ पे ग्राउंड लगेगा। और ये 12012 का कंडेंसर ट्रांसफार्मर है, इसमें आपको जो है ये बोर्ड अपना बेस टेबल को चलाने के लिए है ये ट्रांसफार्मर। तो ये बेस टेबल जो है, बेस टेबल मिड विथ सबवूफर, ये 2.1 बनाने के काम आता है। तो यहाँ पे इसकी इनपुट होगी, सॉरी यहाँ पे इसकी इनपुट होगी, और यहाँ पे इसकी आउटपुट होगी, और ये सबवूफर आउट होगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आपके 3 वायर्स मिलेंगे, यहाँ पे 12012 के, यहाँ पे कनेक्ट डायरेक्ट ट्रांसफार्मर आपको लगाना है 1 एम्पियर का, ठीक है भाई। चलिए इसकी वायरिंग करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों, पहले हम इस बोर्ड की वायरिंग करेंगे। यहाँ पे जो दो कनेक्टर्स हैं छोटे वाले, इसमें आपके दोनों कनेक्टर्स में ग्राउंड वाला जो है टर्मिनल, इसको हम आपस में ऐसे मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद जो है, ये अपना ऑडियो आउट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑडियो आउट का, ये ऑडियो आउट वाला सिस्टम जो है ये इसमें जाएगा। इसका ग्राउंड इसमें लगाएंगे हम, और जो इसका लेफ्ट राइट दो टर्मिनल बचेगा इसका, तो वो हम अपने लेफ्ट राइट में लगाएंगे। चलिए हम लगाते हैं, फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे इसका ऑडियो आउट हो रहा था, यहाँ पे हमने 3 वायर्स जो है, इसका ऑडियो इनपुट जो लिखा हुआ है इसके दोनों कनेक्टर से, यहाँ पे प्लस वाला हमने लेफ्ट राइट कर दिया है अलग अलग, और ये जो ग्रीन वाला वायर था, इनका जो दोनों ग्राउंड था, इनको माइनस कर, दोनों को आपस में जोड़ के हमने शॉर्ट करके दोनों ग्राउंड एक साथ कर दिया, ग्राउंड लगा दिया, ठीक है। चलिए अब इसकी जो है, हम सप्लाई के सबवूफर के जो है, सबवूफर के कनेक्शन कर देते हैं। तो ये यहाँ पे जो सब आउट लिखा हुआ है ना, ये सब आउट है, ये सबवूफर का भी आउटपुट मिलता है। तो ये यहाँ पे हम जो 200 वाट का मोनो बोर्ड है हमारा, यहाँ पे हम इनपुट जो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये बोर्ड, इस पर हम कनेक्शन दे देते हैं। तो दोस्तों, ये जो सब आउट जहाँ लिखा हुआ है, इसमें हमने ये कनेक्टर जोड़ रखा है, इस कनेक्टर के माध्यम से हम यहाँ पे जो है इसमें इनपुट देंगे, ठीक है। ये कनेक्टर आपने यहाँ पे लगा लेना है, कुछ इस टाइप से लग जाएगा ये आराम से। तो अब जो है दोस्तों, हम इसके जो ट्रांसफार्मर में जो वायर जाएंगी, यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस प्लस, और यहाँ पे माइनस, माइनस की सप्लाई जाएगी, यहाँ पे प्लस की 30, माइनस की 30, और ये अलग ग्राउंड है। तो इसके हम कनेक्टर्स यहाँ पे लगाएंगे, इसमें भी हमने 3 वायर जोड़ी है, यहाँ पे भी जो है इसका, यहाँ पे प्लस, बीच में ग्राउंड, फिर माइनस। तो इसी तरीके से इसके कनेक्शन करेंगे हम। तो इसका जो प्लस वाला टर्मिनल है, प्लस को प्लस में हम दोनों बोर्ड के एक साथ लगा देंगे, एक साथ इसको जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कैपेसिटर में लगाएंगे। और ये माइनस का है, तो इसको माइनस के साथ लगाएंगे हम, बीच वाले जो है, और इसमें इस पोर्ट में जो है माइनस का जो है वो दूसरा है। तो ये वायरिंग जो है आपको देख के करनी है आराम से, कोई जल्दी नहीं है, वरना ये बोर्ड जो है आपका दोनों ख़राब हो जाएगा एक के चक्कर में, ठीक है। एक वायरिंग आपने गलत करी, और ये जो है ग्राउंड वाला लास्ट में जो इसके है, वो एंड में हम ग्राउंड के ग्राउंड में लगा देंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, तो मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, जो इसका ये वाला वायर है येलो वाला, वो इसके प्लस वाले टर्मिनल में गया, यानी यहाँ पे जो है प्लस का जो प्लस है उसमें, और जो माइनस है यहाँ पे 30 वोल्ट का,
वो रेड ये वाला वायर है इसका, चॉकलेट वाला, तो ये गया है सीधा यहाँ पे देखिए इस वाले बोर्ड में माइनस में। और ये जो रेड वाला वायर है ये ग्राउंड का है, तो ग्राउंड वाला ये देखिए सबसे एंड में लगा हुआ है इसके कपलर के, तो ये एंड में हमने लगा दिया है। ठीक है, अब इसके ट्रांसफार्मर में कनेक्शन करेंगे हम, ट्रांसफार्मर में कुछ इस पर। तो दोस्तों इसके जो कनेक्शन है कुछ इस प्रकार से होंगे कि ये ग्राउंड वाला जो है ग्राउंड में लगेगा ये। तो इस प्रकार से हमने इसके कनेक्शन कर दिए, जो ये इसका प्लस वाला टर्मिनल निकल के आएगा इसके वीवीसी प्लस में, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप ये वीवीसी प्लस में इसका ये जो वाला जो वायर है ये देखिए सीधा यहाँ पे जा रहा है, और जो बीच वाला वायर है रेड वाला वो सीधा ग्राउंड में जा रहा है यहाँ पे, और इसका जो प्लस वाला वायर है वो सीधा प्लस में जा रहा है। ये वीवीसी माइनस का था, ये जो सबसे एंड में है ये माइनस में है, ये माइनस में जा रहा है ये वाला तार, ये वाला तार इधर से कुछ इस टाइप से। ठीक है भाइयों, तो गड़बड़ी ना करना, सही से वायरिंग करना इसकी। ठीक है, और इसमें 12012 का है यहाँ पे, अब ट्रांसफार्मर इसमें लगा देते हैं हम वायर, फिर आपको दिखाते हैं। 12012 एसी से चलते हैं, यहाँ पे डायोड लगे पड़े हैं इसके। तो दोस्तों देखिए इसके जो 12012 के कनेक्शन है वो कर दिए दोनों 12012 में, और ग्राउंड वाला ग्राउंड में, इसके कनेक्शन भी हो गए बेस टेबल के। अब इस ऑडियो कार्ड के हम इनपुट करेंगे, इसमें जो है ये जो ऑडियो इनपुट लिख रहा है यहाँ पे ऑडियो इनपुट, ये कार्ड की जो इनपुट है वो इसमें जाएगी, तो चलिए फटाफट से इसे भी कर ले। तो दोस्तों हम इसमें कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ये कनेक्टर हमने ग्राउंड और लेफ्ट राइट दोनों लगा दिया यहाँ पे इनपुट का, तो ये इनपुट के कनेक्शन हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कर देंगे, कनेक्टर को यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे लग गया ये लेफ्ट राइट। अब इसको चलाने के लिए 5 वोल्ट भी तो चाहिए हमको, तो ये जो ट्रांसफार्मर से 012 की वायर्स आ रही है, 3030 में 012 भी है, तो यहाँ पे हमने डायवर्ट लगा रखा है, एक कैप डायवर्ट लगा रखा है, पावर सप्लाई बना रखी है। ठीक है, यहाँ पे प्लस और ये माइनस आपका डायवर्ट से निकलेगा, दोनों एसी बीच वाली टर्न पे लगेगी, 10 एम्पियर का ये है डायवर्ट। और ये 7805 की आईसी लगी हुई है यहाँ पर, 7805 की आईसी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो हमने ये 012 का लगा दिया कनेक्टर यहाँ पर जो है, अब ये एसी से डीसी करके देगा अपने को, ये देखिए। और यहाँ पे 7805 लगी हुई है, यहाँ से 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करके देगा। तो इसको हम लगा देंगे यहाँ पर कनेक्टर को। तो अब बचे हैं बस स्पीकर के कनेक्शन, यहाँ पे लेफ्ट स्पीकर का आउटपुट है, यहाँ पे स्पीकर के लगेंगे आउटपुट, और ये जो आउटपुट है मोनो का, यहाँ पे आपका सबवूफर लगेगा, सबवूफर के भी हमने इनपुट दे दिए, देखिए इससे सबवूफर भी चलता है, मिड भी चलता है, और बेस ट्रेबल सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, सब ऊपर का टोन ये है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, सबका टोन ये है। अब इसकी वायरिंग करते हैं स्पीकर की। तो दोस्तों स्पीकर्स मैंने कनेक्ट कर दिए हैं, ये देखिए पावर भी मैंने ऑन कर दिया है, और यहाँ पे दोनों लाइट जल चुकी है अपनी, और ये सब ऊपर वाला बोर्ड है अपना, तो इसका भी थोड़ा सब ऊपर का खोल देते हैं हम। देखिए कोई हमिंग नहीं है, 0% हमिंग है। कोई भी 200 वाट का एम्पलीफायर बनवाना चाहता है हमसे, 400 वाट का एम्पलीफायर, 200 प्लस 200, 2.1 एम्पलीफायर हमने बना दिया है, और ये हीट सिंक जो है इसकी हल्की सी भी हीट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए साउंड टेस्ट कर लेते हैं इसकी। मैंने मिड
इसकी ट्रेबल खोलते हैं। ट्रेबल ये सब ऊपर का था, मिड अब खोलते हैं, मिड खोल दिया है, अब ट्रेबल खोलते हैं। ये मिड बंद कर देते हैं, ये ट्रेबल खोल लगी अभी। इसकी परफॉर्मेंस है, आप लोगों को पता चल गया होगा कैसा बोर्ड है। देखिए सारा तामझाम यहाँ पे हिला के रख दिया इसने, ठीक है। और ये नॉर्मल, पहले तो हीट हो रहा था, ये दो बोर्ड लगा दिए जब से, ये तो हीट ही नहीं हो रहा है। बस ये सैलसन वाला जो बोर्ड है ये थोड़ा सा हीट हो रहा है, बाकी हमिंग वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर। जिस भाई को चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकता है, 2.1 एम्पलीफायर हम बना के दिखाएंगे। 2.1 एम्पलीफायर हमने बना दिया है, तो जिस किसी भाई को चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकता है। ये 12 इंची नहीं 15 इंची सब ऊपर भी चला सकता है। और हाँ, ये 2.1 वाला जो प्रीएम्प है ये आप इस्तेमाल करेंगे, किसी भी बोर्ड में आप लगा सकते हैं। तो ये पूरा एम्पलीफायर आप हमसे परचेज कर सकते हैं बनवा के, ठीक है। तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ऊपर दिए गए नंबर पे, जो व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर है उस पर आप करके आप मंगवा सकते हैं कॉल मैसेज। पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी। ओके भाइयों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय। मैं कंप्लीट इसको असेंबल कर दूंगा, वायरिंग तो आपने देख ही ली, पूरा असेंबल करके तब साउंड टेस्ट आपको बनाऊंगा इकट्ठे, ठीक है भाई। ये 10 इंची के ऊपर थे 135 mm मैग्नेट में, और ये 12 इंच का सब ऊपर था डुअल मैग्नेट में। तो चलिए ओके टाटा बाय बाय। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे और ठीक ही रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब।